हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा क्लास है क्लास 11th का फिजिक्स और मीडियम है हिंदी। तो हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है, आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो हम आज इलास्टिसिटी के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, प्लास्टिसिटी, ग्राफ, अंतरणविक अंतराल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, इस पर कंप्लीट डिस्कस आपसे मैंने किया है। आपका वो पोर्शन यदि तैयार हो गया है तो आप सेकंड पोर्शन पढ़ने के लिए रेडी हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी मेरे कंटिन्यूस क्लास देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि कोई भी नया पार्ट देखने से पहले, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर आप पहुँचते हैं, उसके पहले आपको उसके फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक कम्प्लीटली कोरिलेटिव होता है और उसी के कारण ही आपको तैयार होना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज मैं पढ़ाने से पहले बोल दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे 10th क्लास पास आउट होकर अभी 11th क्लास में आए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है, सर शुरू से पढ़ा दीजिए, शुरू से पढ़ा दीजिए, आप अपने ऐप में कोर्स ले आइए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट मैसेज में आप लोग का मैं पढ़ता हूँ। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं अभी, उन लोग मेरा फर्स्ट पार्ट से पहले वीडियो को देखना स्टार्ट करें, जहाँ पर मैंने पढ़ाया है मूलभूत गणितीय अवधारणा। मतलब 11th क्लास में फिजिक्स की जो पढ़ाई है, एक्चुअल में फिजिक्स से शुरू नहीं होती, उसकी पढ़ाई शुरू होती है मैथमेटिकल टूल्स से। मतलब फिजिक्स समझने के लिए जिस मैथमेटिक्स की हमको आवश्यकता होती है वो हमको सबसे पहले तैयार करना है, मतलब एक बेस तैयार करना है। और इसके लिए मेरे सफिशियंट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप सभी न्यू स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है, या उनको भी मेरा सजेशन है जिनका बेसिक मैथमेटिकल पुअर है, वो स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सबको आप ध्यान से देखें, ठीक है। और उसमें आपको वेक्टर, कैलकुलस, जितने भी टॉपिक हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार करें, ओके। चलिए तो हम आज का क्लास स्टार्ट करें। और आज हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में ही इसका डिस्कस कर लिया था, वो है हुक का नियम। हुक्स ला, हुक का नियम, क्लियर। देखो, हुक नामक साइंटिस्ट ने जो रूल दिया, हुक्स ला, उन्होंने बताया कि यदि कोई पदार्थ इलास्टिक लिमिट में हो, प्रत्यास्थता की सीमा में हो, तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, मतलब पहला शर्त यही था उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ क्या हो, प्रत्यास्थता की सीमा में हो, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उस कंडीशन में उसमें जो प्रतिबल लगाया जाता है वह उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। देखो, फिजिक्स में जितने भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के संबंध आते हैं वो प्रैक्टिकली आते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया कि प्रतिबल लगाने से ही विकृति उत्पन्न होती है। प्रतिबल मतलब बल है, जब तक हम किसी पिंड में बल आरोपित नहीं करेंगे तब तक उसमें विकृति नहीं हो सकती। बिना बल लगाए वो विकृत कैसे होगा, उसका रूप, लंबाई, चौड़ाई ये सब कैसे बदलेंगे। तो हुक ने बताया कि इलास्टिक लिमिट में, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। इस प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, यदि हम उसको मैथमेटिकली लिखें, पहले तो शब्दों में लिख दें अपन, प्रतिबल यह समानुपाती होता है किसके, विकृति के। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, यहाँ हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता की सीमा में, वो तो शब्दों में मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो, इसके कथन को आप लोग लिखें, बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है कि सर आप पूरे कथन को बोर्ड में लिखा करो, हायर क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने कंटेंट्स, इतने थ्योरी हैं, बच्चों जैसा उसको कोई लिखेगा नहीं, आप सुनो, उसको समझो और आप अपने बुक की हेल्प से नोट्स बनाओ, या कुछ दिनों बाद मेरे चैनल पर आपको 11th हिंदी मीडियम का भी नोट्स अवेलेबल होगा। अभी अवेलेबल है 12th का इंग्लिश मीडियम, 12th का हिंदी मीडियम, 11th का इंग्लिश मीडियम, कुछ दिनों बाद आपको 11th के हिंदी मीडियम के भी नोट्स स्टार्टिंग से मिलेंगे, वो बन रहे हैं, ठीक है, बनते जाएगा, डालते जाएंगे, तभी फिलहाल आप नोट्स बनाओ। तो प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। अब इस संबंध को आगे हम सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज, आगे हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा अपने को, प्रतिबल और समानुपातिक नियतांक को जब इक्वल में चेंज करेंगे
तो हमको एक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नियतांक हम लेते हैं E और ये विकृति। तो यहाँ पर जो नियतांक लिया गया है, यहाँ पर जो E नियतांक लिया गया है, ये इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो E नियतांक लिया गया है उस नियतांक को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसको कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। इंग्लिश में ही बता दें आपको, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी यह कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, और जब हम समानुपातिक चिन्ह को बराबर में परिवर्तित करते हैं तो हमको एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करना पड़ता है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इस प्रकार से यदि हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखना चाहें तो देयरफॉर ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल विकृति को इधर ट्रांसफर कर दें तो प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा, विकृति। ओके, प्रतिबल बटे विकृति। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा को हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा में, विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो विकृति जो होता है, मात्रक पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि आपको पहले चैप्टर में सब पढ़ा चुके रहता हूँ मैं। विकृति क्या है, बीमाहीन राशि है, और प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का कितना हो जाता है, न्यूटन और अपान मीटर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स पावर 2 हो जाएगा ये इसका, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये प्रत्यास्थता गुणांक का विमा है, मात्रक है, क्योंकि विकृति क्या है, विमाहीन राशि है। अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, इलास्टिक कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, उसके प्रकार, वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो नेचुरली आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं, तीन प्रकार की विकृतियाँ होती हैं। तो जब यहाँ पर प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, तो प्रतिबल हमारे पास तीन प्रकार के हैं, विकृति भी तीन प्रकार की होती है, तो नेचुरली बात स्पष्ट है कि तीन प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक भी होता होगा, क्योंकि अलग अलग प्रतिबल और अलग अलग विकृति का अनुपात अलग अलग प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जाना जाता है। पहले मैं सबको इंडिविजुअल पढ़ा दूँ, फिर लास्ट में आपको एक की चार्ट बनाने का मैं आपको गाइड कर दूँगा, तो अपने नोट्स में आपको की चार्ट बना लेना। उस चार्ट को बनाने के बाद आप कभी भी जब रिवीजन करोगे तो एक मिनट में उस चार्ट को देखोगे और पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम इंडिविजुअल अलग अलग सबको पढ़ लेते हैं, सबको अलग अलग पढ़ने के बाद हम लास्ट में उसके चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। सीधा लिख देता हूँ मैं, ई के प्रकार, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। तो सबसे पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, हिंदी लिखना कठिन है एक्चुअल मिस बोर्ड में, है ना, कर्सिव नहीं लिख सकते हिंदी, सब जुड़ जाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग क्या है, यंग वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ पर यंग का मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है।
तो यंग नामक साइंटिस्ट ने इस प्रत्यास्थता गुणांक को दिया, इसलिए हमको इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग नामक साइंटिस्ट ने अपने प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा में क्या बताया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल होने से अनुदैर्ध्य विकृति होती है। देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपका तैयार है तो नो प्रॉब्लम, अब सब आपको मैं बता चुका हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोग बहुत लंबे समय से मेरा क्लास अटेंड कर रहे होंगे कि मेरा पढ़ाने का टेक्निक है कि मैं उस जगह में ले जाके टॉपिक को छोड़ता हूँ जहाँ पर न्यू टॉपिक मैं कनेक्ट करूँ तो प्रॉपर समझ में आए। इसलिए जिस वे से मैं पढ़ाता हूँ उस वे से यदि आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो नो डाउट आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात में जो पहला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उन्होंने बताया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से प्रदर्शित करते हैं और y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और आप पीछे पढ़ चुके हो कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, 11th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम है 11th 12th में बहुत डिफरेंस होता है, आप नए नए फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, तो मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना, और मेरी कोशिश है कि आपको मेरे वीडियो को एक दो बार देखने के बाद वो पूरा टॉपिक वीडियो से ही तैयार हो जाएगा, इसके बाद आप नोट्स बनाओ और हमेशा के लिए तैयार हो जाओगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई, वाई इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। और आपको पता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, जब हम किसी पिंड पर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लेंथ लंबाई की दिशा में बल लगाते हैं, जैसे एक तार है अपने पास, मान लो यहाँ पर मैं फिगर के साथ भी आपको समझाते जा रहा हूँ, सपोज हमारे पास ये कोई तार है और इस तार को हम लटका के रखे हैं, अभी इसकी लंबाई मान लो L है, अभी हम इसमें कोई बल नहीं लगाए हुए हैं, अब इसको हमने क्या किया, इसमें बल लगाया और बल लगा के इसकी लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी, मान लो ये जो है ये डेल एल, ये डेल एल इसकी लंबाई में वृद्धि, ये हमने कर दिया, इस प्रकार से हमने इसमें लटका दिया कोई भार, क्योंकि भार लटकाने से ही क्या होता है उसकी लंबाई वृद्धि होती है, ये एम जी है जो एफ के बराबर होता है, एफ एम जी के बराबर, इस तरह का कंडीशन आ गया। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति का यदि हम फार्मूला निकालना चाहें, मैथमेटिकली हम इसको वैल्यू को बताना चाहें, तो दैट इक्वल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये मैथमेटिकली ऐसा हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दैट इक्वल वाई इक्वल टू, ये एल ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल, ये हो जाएगा। दैट इक्वल इसको हम और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ किसके बराबर है, चित्र में देखो आप, एफ जो है एम जी के बराबर है, मतलब किसी पिंड पर जब हम भार लटकाते हैं तो उस पिंड पर जो भार लटकाते हैं वही उसका उस पर लगाया गया बल होता है, तो F को हम क्या लिख सकते हैं, mg, ये हो जाएगा mg और L, और अपान A को क्या लिख सकते हैं, मान लो एक तार है और इस तार का त्रिज्या A है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार है तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो A को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने जो रिलेशन लिखा है ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये यंग मॉडुलस का फार्मूला है। ओके, तो ये कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक पहला वाई। ओके, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, यंग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया प्रत्यास्थता गुणांक है, इसमें उन्होंने बताया कि अनुदैर्ध्य प्रकृति प्रत्यास्थता की सीमा में कहना जरूरी है ना, जब सिस्टमेटिक आप डेफिनेशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे प्रत्यास्थता की सीमा में। ओके, तो प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, मैथमेटिकली यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर इतना होगा। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस प्रकार से ये दोनों फार्मूला आप याद करके रखें, बहुत छोटा सा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन आता है। और पदार्थ जो हम पढ़ाई शुरू करते हैं वो तो प्रत्यास्थता मतलब ठोस के गुण से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद द्रव पढ़ेंगे, फिर गैस पढ़ेंगे, वो कंटिन्यूअस हम मटेरियल फिजिक्स जो होता है, पदार्थ भौतिकी जिसको कहते हैं, उसमें तीन टॉपिक हमको पढ़ना है, ठोस द्रव गैस, जिसमें ठोस में हम प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट सेकंड प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा जो प्रत्यास्थता गुणांक है हमारा वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक।
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, वॉल्यूम अपने को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम यहां पर के से प्रदर्शित करते हैं, और के इक्वल टू होता है, देखो अब आप समझ सकते हो, इसको हम यदि के से प्रदर्शित कर दें तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब अनुदैर्ध्य, सॉरी कौन सा प्रतिबल लगेगा, आयतन, ठीक है, मतलब जो हम प्रतिबल का प्रकार पढ़े थे उसमें, जब उसमें अभिलंब प्रतिबल लगता है, अभिलंब प्रतिबल मतलब क्या होता है, जो लंब पृष्ठ पर लंबवत लगता है, ठीक है, और बटे आयतन विकृति, ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। तो अभिलंब प्रतिबल, इसको मैं शब्दों में लिख दूं यदि, तो अभिलंब प्रतिबल, अभी एक चार्ट बनाऊंगा उसे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल होगा और अभिलंब प्रतिबल के साथ में क्या होता है, आयतन विकृति होता है, क्योंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, तो हो जाएगा आयतन, आयतन विकृति, क्लियर, दैट इक्वल, इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, प्रेशर होता है, एक्चुअल में इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, तो इसको हम पी लिख सकते हैं। और आयतन विकृति होता है डेल वी अपान वी, उसका का माइनस साइन क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि जब हम किसी बॉडी पर प्रेशर लगाते हैं, उस पर दाब आरोपित करते हैं, तो दाब आरोपित करने से आयतन घटता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है उसके आयतन में कमी को, दाब लगाने पर आयतन कम होता है, इसको लिख सकते हैं माइनस पी इंटू वी अपान डेल वी, इसको हम प्रदर्शित करते हैं के से। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला है, ओके। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो इन्वर्स होता है उसको संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को संपीड़ित करना, ठीक है, दबाना, संपीड्यता का मतलब होता है दबाना उसको, तो इस वक्त कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दबाना, किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, और कंप्रेसिबिलिटी को यदि हम बी से रिप्रेजेंट कर दें यहाँ से, तो बी इक्वल टू होता है वन अपान के। ये फार्मूला भी ध्यान रखना, बहुत जगह इसका जरूरत पड़ता है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, रेसिप्रोकल आप, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम संपीड्यता कहते हैं, या बी इक्वल टू इस फार्मूला को हम लिखें तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस डेल वी अपान पी इंटू वी होता है। ये फार्मूला भी याद, ध्यान रखना, ये फार्मूला कई जगह काम आएगा आपको, ओके। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और संपीड्यता, ये दो बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक इंग्लिश बोला जाता है रिजिडिटी, रिजिडिटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा, ईटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। और दृढ़ता गुणांक नेचुरली आपको पता है तीसरे प्रकार का जो प्रतिबल होता है, तीसरे प्रकार का जो प्रतिबल होता है उसको हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार याद दिलाता हूँ, देखो मान लो हमारे पास इस तरह से कोई पिंड है, और इस पिंड पर हमने स्पर्श रेखी दिशा में बल लगाया, आपको बताया था कि बल को यदि हम किस दिशा में लगाएं, स्पर्श रेखी दिशा में लगाएं, तो स्पर्श रेखी दिशा में बल लगाने से इसमें किस प्रकार की विकृति हो जाती है, ये इधर चला आता है, ये इस तरह से बेंड हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर बन जाता है फाई या थीटा कोण, और ये वाला डिस्टेंस डेल एक्स या एक्स हो जाता है, और इस भुजा की लंबाई को हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं। तो ये होता है अपरूपण विकृति, मतलब किसी बॉडी के ओनली शेप में चेंज करना, उसका डिजाइन में चेंज करना। और यहाँ पर जो प्रतिबल लगाया जाता है एक्चुअल में क्या है, स्पर्श रेखी है, टेंजेंशियल, स्पर्श रेखी दिशा में जो प्रतिबल लगाया जाता है उसको स्पर्श रेखी प्रतिबल कहते हैं। तो ईटा का जो फार्मूला यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, स्पर्श रेखी प्रतिबल
ठीक है, स्पर्शरेखी प्रतिबल जिसे हम अपरूपण प्रतिबल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पर्शरेखी प्रतिबल को हम अपरूपण प्रतिबल भी कह सकते हैं, और बटे क्या हो जाती है उसकी विकृति। क्लियर, अपरूपण विकृति कह सकते हैं, अपरूपण विकृति दैट इक्वल स्पर्शरेखी प्रतिबल वही होता है एफ अपन ए, और अपरूपण विकृति को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसे, फाई से, फाई से रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ अपॉन ए इंटू फाई, ये होता है इसका फार्मूला। ओके, तो ये कहलाता है दृढ़ता गुणांक। तो तीन प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बाद पॉइज़न अनुपात होता है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। तो तीन प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक को आपको सबसे पहले समझना है। सबसे पहले मैंने बताया यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बाद आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बाद दृढ़ता गुणांक, ये तीन प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मेमोरी चार्ट बनाने के लिए बात कर रहा था, तो ये मेमोरी चार्ट आप इस तरह से बना सकते हो। देखो मेमोरी चार्ट कैसे बनाना है, आपको एक कॉलम ड्रा कर लेना, 1 2 3 4 4x4, ये इस तरह से यहां पर देखो। सबसे पहले ये इस तरह से चार्ट बना लेना, चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर जितने तरह का प्रतिबल और जितने तरह की विकृति होती है उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर प्रतिबल, ये प्रतिबल, उसके बाद विकृति, और यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक मतलब ई, ये ऐसा चार्ट बना लेना आप। ओके, प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्थता गुणांक, और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रमांक लिख देता हूँ। तो पहला जो होता है क्या होता है, देखो पहला प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, छोटे जगह में लिखना थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, ऐसा लिख लेना अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है तब क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति होती है, यह आप लोग बना लेना। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति जब होती है तो उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहता है। वाई लिख लेना, और वाई इक्वल टू सीधा फार्मूला लिखना, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल, ऐसा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। इस तरह से आप प्रतिबल, तो अब इसको कैसे याद रहेगा, ये प्रतिबल और विकृति, और आपको पता है प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और यहाँ पर फार्मूला, चाहो तो एक चार्ट और लिख लेना, यहाँ पर नाम लिखना और अग्रे में उसका फार्मूला लिखना तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा भी आप बना सकते हो। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, आप समझ गए होगे, आप बताने की जरूरत नहीं आपको। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दूसरे को क्या लिख सकते हो आप, देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बाद क्या है, आयतन प्रतिबल, आयतन, आयतन प्रतिबल, ठीक है, आयतन प्रतिबल होता है तो क्या होता है, आयतन प्रतिबल मतलब आप क्या है, आयतन की दिशा में प्रतिबल लगाते हो तो आयतन प्रतिबल होता है, और इसमें विकृति कौन सी होती है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो विकृति, इसी का चार्ट बना लेना है आपको, और क्या, ये चार्ट आपको बना लेना है, ये आयतन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, सॉरी अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल ना, नाम एक जैसा हो जाता है, जब अभिलंब प्रतिबल होता है तो आयतन विकृति होती है, उस समय आयतन विकृति होती है, ये बढ़िया से बना लेना आप, मैं तो केवल गाइड कर रहा हूँ उसको,
और उसको हम प्रदर्शित करेंगे कैसे, और के इक्वल टू होता है पी इंटू माइनस पी इंटू वी अपान डेल वी। क्लियर, पी इंटू वी अपान डेल वी, ये आप फार्मूला लिख लोगे और नाम भी लिख लोगे इसका, क्या कहते हैं यहाँ पर, नाम को जरूर लिख लेना। इसके बाद तीसरा यहाँ क्यों लिख दिया मैं, थर्ड, थर्ड में फिर क्या लिखोगे आप, थर्ड में हमने बताया आपको किस तरह का प्रतिबल, प्रतिबल तीसरा में क्या होता है, ये अभिलंब प्रतिबल हो गया, उसके बाद स्पर्शरेखी प्रतिबल होता है। ठीक है, अब हम उसमें लगाते हैं किस दिशा में, स्पर्शरेखी दिशा में, पूरा लिख लेना आप लोग, स्पर्शरेखी प्रतिबल। तो अब विकृति कैसा होगा, अपरूपण, अपरूपण विकृति होगा, और उस समय उसको दृढ़ता गुणांक कहते हैं और ईटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ईटा इक्वल टू हमने क्या लिखा, एफ इंटू फाई अपन ए, ये फार्मूला होता है एफ इंटू फाइव। तो ये एक मेमोरी चार्ट, मतलब इससे फायदा क्या होगा आपको, इतना छोटा सा चार्ट आप बना के रखोगे तो पूरा प्रत्याशा गुणांक आपके दिमाग में, एक मिनट में आप देख लोगे, और पूरा परिभाषा इतने में मैं सब चीज़ बता दूंगा आपको। कैसे, देखो मान लो मेरे को यंग प्रत्यास्थता गुणांक का नाम लिखना है, तो क्या कहूँगा मैं, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक नियत, जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और उसका फार्मूला ये। क्लियर, अब हमको लिखना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम भी लिख लेना चाहे, यहाँ पर नाम लिख लेना, ये यंग, यहाँ पर मैं चार्ट उसके लिए और बनाया नहीं, एक मिनट इसी में एडजस्ट कर देता हूँ मैं, ये चार्ट को बढ़ा रहा हूँ ना अभी मैं, चार्ट को थोड़ा तरीके से बढ़ा दिया, अभी इसको पूरा कहाँ मिटाता मैं, है ना। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर अलग चार्ट आप कहाँ बनाते रहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो सिस्टमेटिक हो जाएगा आपका। देखो पहला वाला क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, लिखोगे और बढ़ते जाएगा, अभी मैजिक है, समझ लो, देख लो, जैसा लिखते जाओगे उसका चार्ट बढ़ते जाएगा उसी तरह से, अब लिमिट में चला गया वो। ठीक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये हो गया पहला, दूसरा क्या कहलाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यह कहलाता है, और तीसरा कहलाता है क्या, दृढ़ता गुणांक। नाम कहीं तो लफड़ा हो रहा था ना, अब आपको नाम पूरा स्पष्ट हो गया यहाँ से, दृढ़ता गुणांक। ओके, ये आप मेमोरी चार्ट बना लेना। तो यह है प्रतिबल, विकृति, और कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहलाता है। ओके, यह हो गया हमारा तीनों प्रत्यास्थता गुणांक का स्टडी। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो कहलाता है पॉइज़न अनुपात। पॉइज़न अनुपात क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइज़न अनुपात, पॉइज़न क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, पॉइज़न एक वैज्ञानिक का नाम है, यह वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं कि उसको आप पॉइज़न मत समझना, पॉइज़न एक साइंटिस्ट का नाम है, POISONS, ये स्पेलिंग है पॉइज़न्स का अनुपात। तो इन्होंने कुछ विशेष बात बताया, इसको थोड़ा ध्यान से समझो पहले। पॉइज़न ने क्या बताया कि अभी तक हम जितना प्रतिबल और विकृति पढ़े,
जैसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति पढ़े। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में हमने क्या देखा कि जब उसकी लंबाई में हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चित्र बना दूँ छोटा सा तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। यह सपोज एक तार है, अब इस तार का मैंने इस तार को खींचा, इस तार को खींच के मैंने इस तरह से लंबा कर दिया, तो नेचुरली आपको पता है कि जब हम किसी तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन उसकी उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो घटेगा। चित्र में आप देख रहे हो, किसी तार को आप लंबा करोगे तो पतला तो हो जाएगा। तो अभी तक हम इस तार में देख रहे थे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या बोले थे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कह रहे थे। ये यंग ने बताया, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। लेकिन यंग ने इसके लंबाई में परिवर्तन को तो लिया और उसके क्षेत्रफल में जो कमी हो रही थी उसको उन्होंने नहीं लिया, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बाद में पाइजन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बात को क्लियर किया कि भाई यहाँ पर तो परिवर्तन दो तरीके से हो रहा है, आप लंबाई में परिवर्तन को ले रहे हो लेकिन उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन को क्या कर रहे हैं आप, अवॉइड कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन को भी तो लेना चाहिए, ये उन्होंने बताया। और बाद में उन्होंने पॉइज़न अनुपात करके इसको एक्सप्लेन किया और पॉइज़न अनुपात को उन्होंने जो फार्मूला बताया, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, सिग्मा से प्रदर्शित किया, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये तो अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये दो विकृति का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। परिभाषा में आप क्या लिखोगे, पॉइज़न के अनुपात अनुसार अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको हम पॉइज़न अनुपात कहते हैं। इस चित्र में आप उस बात को ध्यान से समझो कि जैसे यहाँ पर इस तार का लंबाई इतना था, ये लंबाई इतना था, यहाँ तक था, अब हमने उसमें इतना वृद्धि कर दिया, मान लो इसका लंबाई एल था तो हमने उसकी लंबाई में डेल एल की वृद्धि कर दी, लेकिन इसका जो डायमीटर था, ये मान लो यहाँ पर अभी इसका डायमीटर मतलब व्यास ना, डायमीटर मान लो यहाँ पर डी था, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, अब ये हो गया डेल डी हो गया ये, और माइनस क्यों किए, क्योंकि घट रहा है, माइनस क्योंकि घट रहा है। तो ये अनुप्रस्थ मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उन्होंने बताया कि भाई इन दोनों का जो अनुपात होगा, माने उसमें जो अनुप्रस्थ जो विकृति होगी, ये अनुप्रस्थ विकृति है और ये अनुदैर्ध्य विकृति है। क्षेत्रफल में परिवर्तन को हम अनुप्रस्थ कहेंगे, ये अनुप्रस्थ कहलाएगा, और उसके लंबाई में जो परिवर्तन होगा अनुदैर्ध्य, क्योंकि अनुप्रस्थ का मतलब क्षेत्रफल से होता है और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई से होता है, टूवर्ड्स द लेंथ एंड टूवर्ड्स द एरिया। ये तो इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको उन्होंने बोला कि पॉइज़न अनुपात होगा। और इस तरह से यदि हम इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो वहाँ पर डेल डी माइनस डेल डी अपान कैपिटल डी अपान ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपान एल, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इस तरह से इसको आगे हम साल्व कर दें तो माइनस डेल डी इंटू एल ऊपर चला जाएगा और अपान ये हो जाएगा डी इंटू डेल एल। इस फॉर्म में पॉइज़न अनुपात को हम लिखते हैं, क्लियर, तो यह कहलाता है डेल डी अपान डेल एल अपान एल, ये पॉइज़न अनुपात कहलाता है। इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार में इसका जो मान है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है। इसका मान सिग्मा का मान मैं करके अलग से नोट करके लिख देता हूँ, यहाँ पर आप नोट करके लिखना है इसको, ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। सिग्मा का मान तो पहला सैद्धांतिक मतलब वैज्ञानिकों ने देखा कि सिद्धांत के रूप से, यदि सैद्धांतिक रूप से हम सिग्मा के मान को देखें तो सिग्मा का जो मान होगा सैद्धांतिक रूप से -1 से 0.5 के बीच में होगा, थ्योरेटिकली 0.5 to -1, ये ध्यान रखना सैद्धांतिक रूप से। और यदि हम इसको व्यवहारिक रूप से देखें, दूसरा व्यवहारिक रूप से, तो इसका जो वैल्यू होता है वह 0 to 0.5 होता है, 0 to 0.5, 0 से 0.5 के बीच में होगा और वह -1 से 0.5 के बीच में होगा,
वैसे माइनस वन से 0.5 लिखना चाहिए, छोटी वैल्यू को पहले लिखना चाहिए अपने को। चलो ठीक है, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, छोटी वैल्यू को पहले लिखना चाहिए। तो माइनस वन टू कह सकते हैं 0.5। इसको थोड़ा समझ लो, ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक है क्या। व्यवहारिक का मतलब होता है बिहेवियर में, क्योंकि बिहेवियर में निगेटिव का मतलब होता है शून्य से कम हो जाना। तो भले ही हम यहाँ पर इसको ऋण लिख रहे हैं, यहाँ पर ऋण लिख रहे हैं क्योंकि उसमें कमी आ रही है, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि उसका जो व्यास है वह शून्य से कम हो जा रहा है। क्योंकि शून्य से कम तो हम सोचें शून्य भी नहीं सोच सकते, शून्य हुआ मतलब तो गायब हो गया वो। तो वास्तव में व्यवहारिक रूप से मतलब बिहेवियर में जब हम इसको स्टडी करते हैं तो सिग्मा का वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली बिहेवियर मतलब प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली यदि हम केवल सैद्धांतिक रूप से सोचें तो इस फार्मूला में जब हम मान भरेंगे, तो इस फार्मूला में मान भरेंगे तो माइनस तो आएगा ही, तो यहाँ पर माइनस वन भी हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू का आप ध्यान में रखना कि व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में उसका वैल्यू 0 से 0.5 के बिटवीन ही होगा, 0 से कम नहीं हो सकता, 0.5 से 0.5 तो दोनों कंडीशन में हो सकता, 0.5 इसका अपर रेंज है, क्लियर। लेकिन जब थ्योरेटिकली हम देखें, सिर्फ थ्योरी में पढ़ें, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों फिजिक्स में अलग अलग चीज़ है। हम बहुत सारे चीज़ों को बिना प्रैक्टिकल के थ्योरेटिकल मान लेते हैं, फार्मूला के बेस पर मान लेते हैं कि भाई ऐसा होता है, लेकिन उसी बात को जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में लाते हैं तो नहीं हो पाता। तो ये दोनों वैल्यू को ध्यान रखना, सैद्धांतिक रूप से इसका मान इतना होना चाहिए लेकिन व्यवहारिक रूप से इतना होता है, क्लियर। तो ये कहलाता है पॉइज़न अनुपात। तो पॉइज़न अनुपात के बाद हम देखते हैं, देखो इसके बाद यहाँ पर तार को खींचने में किया गया कार्य। वैसे इस चैप्टर क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन इसको तीन पार्ट में बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट पार्ट में मेरे को इसके बहुत से इसके छोटे छोटे टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करना है, जिसमें मैं तार को खींचने में किया गया कार्य तो भी पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर प्रतिबल विकृति ग्राफ पर डिस्कस करना है, स्टील और रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मैं थोड़ा और डिस्कशन करूँगा। एक ही वीडियो में बना दूँ तो कन्फ्यूज़न और लंबा हो सकता है, और प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, प्रत्यास्थता, थकान, ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक साथ चाहूँ तो मैं कर दूँ, लेकिन वो इतना हड़बड़ी में आपके साथ ठीक नहीं, 11th क्लास में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य का मतलब क्या है पहले यह समझ लो। वर्क डन टू स्ट्रेच ए वायर, जैसे सपोज अपने पास ये एक तार है, इसको हम किसी दृढ़ आधार से बांध के ऐसा रखे हैं, और अभी इसकी जो लंबाई है वो मान लो L है, स्मॉल L। अब हमने इसमें कोई बल अभी नहीं लगाया, मतलब F यहाँ पर जीरो है, पहला कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन का फिगर मैं आपको बना रहा हूँ कि सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इस तार को खींच के हमने लंबा कर दिया ये, तो इसमें हम एक बल लगाए, मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर बल F लगाया, जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, mg के, और अब हम इसकी लंबाई को यहाँ से यहाँ तक वृद्धि कर दिए, वो मान लो डेल L है। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि भाई हम इस तार को जब खींचते हैं, प्रत्यास्थता के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी तार को खींचते हैं लंबाई परिवर्तन होता है तो उसमें बल लगाते हैं, तो कहीं भी आप बल लगाओगे तो कार्य तो होगा, या उसमें संचित ऊर्जा भी कर सकते हो। तार को खींचने में किया गया कार्य, और या चाहो तो आप इसको इसके साथ में इसमें ऊर्जा भी कह सकते हो। कभी आपको एग्जाम में ऊर्जा पूछ दें कि तार को खींचने में संचित ऊर्जा, तो भी वही होगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखो किया गया कार्य W बराबर, तो क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर बल औसत बल है, क्यों औसत बल है, क्योंकि दो बार बल लगा रहे, एक बार उसमें जीरो है और दूसरे बार बल F लगा रहे हैं, तो औसत बल गुणित विस्थापन होगा, दैट इक्वल एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स यदि हम यहाँ पर लगाना चाहें, तो एवरेज फोर्स मतलब प्रारंभिक धन अंतिम बटे दो, ये हो जाएगा, और इनटू विस्थापन हम क्या कर रहे हैं इसमें, डेल L, डेल L इसका विस्थापन है, क्योंकि लंबाई में जितना परिवर्तन हो रहा है, ये जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वही उसका विस्थापन है। प्रारंभिक बल यहाँ पर शून्य है और बाद का बल F है, तो उसको हमने F लिखा है। दैट इक्वल आगे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 F इंटू डेल L। अब इसमें प्रतिबल विकृति वगैरह अपने को एंट्री कराना है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसमें मतलब एडजस्ट करते हैं, कहना चाहिए सीधी सी बात है, इसमें हम एडजस्ट करें, क्या एडजस्टमेंट करते हैं, इसको यदि हमको प्रतिबल बनाना है,
तो डेल एल अपॉन एल प्रतिबल होता है, तो मैं क्या किया इसमें एल को डिवाइड कर दिया, एल उसके कारण मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रिलेशन में जिस चीज़ को हम भाग देंगे उसका हमको गुणा भी करना पड़ेगा, और एफ के साथ मैंने डिवाइड कर दिया ए को, तो ए का हमको गुणा भी करना पड़ेगा, ये हम एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। दैट इक्वल अब हमारा क्या हो जाएगा ये फार्मूला, दैट इक्वल वन अपॉन टू, अब देखो ये एफ अपॉन ए ये क्या बन चुका है, अब प्रतिबल बन चुका है, ये प्रतिबल हो गया ओके, और गुणित डेल एल अपॉन एल ये क्या बन चुका है विकृति, ये विकृति बन गया, और गुणित लंबाई गुणित क्षेत्रफल ये बन गया आयतन। देखो किस तरह से फार्मूला चेंज हो गया, तो यहाँ पर किया गया कार्य संचित ऊर्जा एक बटे दो प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला को कई तरीके से हम बदल सकते हैं, यदि एकांक आयतन की बात करें, ठीक है एकांक आयतन, तो यदि हम एकांक आयतन पर वॉल्यूम को वन कर दें तो उस समय जो किया गया कार्य W होगा वो वन अपॉइन टू प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति ये हो जाएगा, तो U बराबर एक बटे दो प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। इसको हम चाहें तो और कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर W इक्वल टू वन अपॉइन टू, उसको कॉपी कर रहा हूँ पीछे से मैं, प्रतिबल गुणित विकृति। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस और कर रहे हैं, किस तरह का चेंजेस कर रहे हैं देखो, यहाँ पर प्रतिबल में मैं विकृति का भाग दे रहा हूँ, तो जब विकृति का यहाँ पर भाग दूंगा तो मुझे विकृति का गुणा भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। एक ही फार्मूला को कई रूप में बदला जा रहा है, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉइन टू, अब प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या हो जाएगा प्रत्याशा गुणांक हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति प्रत्याशा गुणांक होता है, तो ई हो जाएगा और ये हो जाएगा विकृति गुणित विकृति, तो विकृति का वर्ग हो जाएगा। ये किया गया कार्य का फार्मूला हो गया। तो तार को खींचने में किए गए कार्य के कई फार्मूले हैं, एक तो मेन फार्मूला आप इस रूप में याद रखोगे, ये किया गया कार्य का फार्मूला W इक्वल टू वन अपॉन टू प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन, या एकांक आयतन के लिए एक बटे दो प्रतिबल गुणित विकृति, या प्रत्याशा गुणांक के रूप में हम लेना चाहें तो प्रत्याशा गुणांक के रूप में लिख सकते हैं एक बटे दो ई गुणित विकृति ओके। तो ये मैंने आज आपको प्रत्यास्थता का, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत रिलैक्स आपको आराम से बता रहा हूँ इसको मैं, छोटा सा चैप्टर है, एक पार्ट इसका और हम कंप्लीट करेंगे उसका प्रत्यास्थता कंप्लीट होगा, बाकी न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स के पार्ट में करेंगे। अभी 11 का न्यूमेरिकल्स बहुत पेंडिंग है, शुरू से टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी हो गया मैं, लेकिन धीरे धीरे डालूंगा, और सभी नए स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि वो तो लेट हुए नहीं है, शुरू से पढ़ें, कहाँ से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, फिर मापन, फिर गति, फिर द्विमी गति मतलब समतल में गति, लाइन से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वहाँ से पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में तो आप लोग को ऐसे ही हो गया, 11th वाले भी ऐसे ही निकल गए, कोरोना के नाम से जिस तरह का सिचुएशन बना, तो आप टाइम मत खराब करिए, आप शुरू से उसको पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखे, मैं उसको ध्यान दूंगा, ठीक है, उसको आगे करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के इंतजार करिए आप, और इसको पूरा तैयार करिए ओके, थैंक यू।